Hare Krishna. Hare Krishna. आप में से कितने भक्त गोदावरी में नौके पे सैर करके आए? सब. कितने भक्त नहीं जा पाए या नहीं जाना चाहते थे? ठीक है, अधिकतर सभी लोग गए प्राय, तो अच्छा हुआ ना गए 15 मिनट के लिए. हम बताना भूल गए थे, बाहर घाट में ही गोदावरी देवी का विग्रह है. आपने देखा? प्रणाम किया ना? वैसे सीढ़ियां उतरते हैं घाट के ऊपर, आते हैं मंदिर से दाहिने ओर, वहाँ पे गोदावरी देवी की मूर्ति. यहाँ हमारे मंदिर ने उस मूर्ति की स्थापना की है. तो गोदावरी देवी की कृपा याचना भी हमें करनी चाहिए. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय. श्री बालाजी भगवान की जय. श्रीमती गोदावरी देवी की जय. निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. श्री श्री गुरु गौरांग की जय. ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravane Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Mahaprabhu pahunch gaye hain Godavari ke tat par pehle yahan is taraf Godavari ke aaye jahan Rajahmundary shahar hai aaj phir Godavari nadi paar karke Goshpad Tirth naam ke sthan par unhone Godavari nadi mein snan kiya aur uske baad वो वहीं बैठे रहे और वो प्रतीक्षा कर रहे थे रामानंद राय की जब गोदावरी नदी को देखा उन्होंने तो उन्हें यमुना का स्मरण आया गोदावरी के तट पे जो वन हैं जब उनको देखा तो उन्हें वृंदावन का स्मरण हुआ तो काफी समय तक तट पे जप कीर्तन आदि करते रहे नृत्य भी करते रहे और स्नान करके यम गोदावरी पार करके जब उस वहां स्नान किया फिर वहां बैठे रहे रामानंद राय की प्रतीक्षा करते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि वो यहीं रहते हैं और थोड़े ही समय बाद वहां पर रामानंद राय चले आए महाप्रभु उनको पहचान पाए वैसे जब कोई बड़े व्यक्ति रहते हैं जैसे कोई मंत्री है राज्यपाल राष्ट्रपति आदि तो वो अकेले नहीं आते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग आते हैं और उस जमाने में जब राजा महाराजा जाते थे तो 100 से कम लोग नहीं होते थे तो रामानंद राय के साथ में भी लोग संगीत के वाद्य बजा रहे थे
वो स्वयं पालकी पे बैठे हुए वहाँ गोदावरी में स्नान करने आए थे। बड़े ठाठ से रहते थे क्योंकि आखिर वो राज्यपाल थे, राजा के समान ही थे, राजा के प्रतिनिधि थे। तो बहुत सारे लोग संगीत के वाद्य बजाते बजाते उनके साथ आ रहे थे और रामानंद राय पालकी में बैठे हुए थे, पालकी से बाहर निकले भी। और भी उनके साथ में कई ऐसे ब्राह्मण थे जो वैदिक मंत्रों का सतत उच्चारण कर रहे थे। फिर रामानंद राय ने आके गोदावरी के जल में तर्पण आदि अपने पूर्वजों के लिए अर्पण किए इन ब्राह्मणों की सहायता से। पूर्वजों के लिए श्राद्ध में दो चीज़ें करनी होती हैं, एक है तर्पण जो हम जल अर्पण करते हैं और दूसरा है पिंड, जब चावल के गोले आदि वो भी सब अर्पण किए जाते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से स्नान आदि करके तर्पण भी किया, कविराज गोस्वामी कहते हैं जल अर्पण किया अपने पितरों के लिए। तो महाप्रभु समझ पाए कि अब ये जो व्यक्ति सामने दिखाई पड़ रहे हैं वो रामानंद राय हैं। तो महाप्रभु इतने आतुर थे रामानंद राय से मिलने के लिए कि उनका मन रामानंद राय की ओर तेजी से भागने लगा। और यद्यपि उनका मन इस तरह से भाग रहा था रामानंद राय के पास, फिर भी धीरज रख के उसी स्थान में चैतन्य महाप्रभु बैठे रहे। बाहर ऐसे प्रतीत होने नहीं दिया कि वो कितने आतुर हैं रामानंद राय से मिलने के लिए। और फिर थोड़ी दूरी से जब रामानंद राय ने देखा कि ये कौन सन्यासी बैठे हैं, तो उनकी ओर वो आए उनका दर्शन करने के लिए। तो रामानंद राय ने जब पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उन्होंने क्या देखा, कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। सूर्य शत सम कांति अरुण वसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। सूर्य शत सम कांति, उनकी कांति शरीर का जो तेज है वो सैकड़ों सूर्यों के समान था, बहुत ही तेजस्वी और प्रकाशमान लग रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु। अरुण वसन, अरुण अर्थात सूर्य, वैसे तो सूर्य के सारथी हैं, हम कहते हैं ना सुबह अरुणोदय हो गया, तो सूर्य के रंग के अरुणोदय, जब सुबह प्रातः काल में जब सूर्योदय होता है तो सूर्य का रंग किस प्रकार से होता है, तो उस रंग के वस्त्र चैतन्य महाप्रभु ने पहने हुए थे। सुबलित, बहुत ही बलवान लग रहे थे शारीरिक रूप से भी। प्रकांड देह, उनका देह बहुत बड़ा था, जैसे हम कल बता रहे थे उनकी ऊंचाई 7 फुट की थी, कल्पना कर सकते हैं, काफ़ी हृष्ट पुष्ट थे शहर के और 7 फुट ऊंचे, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि देखने वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। और कमल लोचना, उनकी आँखें खिले हुए कमल पुष्प के समान थीं। तो जब रामानंद राय ने ये अद्भुत दृश्य देखा तो उनके मन में चमत्कार हुआ और तुरंत उन्होंने दंडवत नमस्कार किया, आशिया कुरिलो दंडवत नमस्कार। बड़े सभ्य और सज्जन और सुसंस्कृत व्यक्ति थे रामानंद राय, तो वो जानते थे कि कैसे जब सन्यासी को देख पहले देखते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। तो ये आए, उन्होंने पूर्ण दंडवत प्रणाम किया और फिर स्वयं महाप्रभु उठे और रामानंद राय को भी उठने के लिए कहा और कृष्ण नाम कहने के लिए कहा। उठी प्रभु कहे, उठ कहो कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगिते प्रभुर हृदय स्वतृष्ण। तो जब रामानंद राय ने प्रणाम किया महाप्रभु को, महाप्रभु उठे अपने स्थान से, रामानंद राय से कहा उठो और कृष्ण कृष्ण कहो,
और उस समय महाप्रभु का मन बहुत ही उत्कंठित था रामानंद राय को आलिंगन करने के लिए। और फिर महाप्रभु ने पूछा, क्या आप रामानंद राय हो? तो राय ने उत्तर दिया, हाँ मैं ही वो हूँ, आपका दीन दास, और मैं शूद्र हूँ। इस तरह से अपनी पहचान रामानंद राय ने करके दिया। रामानंद राय ने ये नहीं कहा कि मैं रामानंद राय हूँ, यहाँ का राजा हूँ, नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अच्छा हुआ आपने पहचान लिया, मैं ही वही हूँ, ऐसे नहीं कहा। इतने बड़े राजा होने के बाद भी उनको कोई गर्व नहीं था, अभिमान घमंड नहीं था। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसके पास कुछ नहीं है संसार में, वो भी घमंडी रहता है ना? तो जिसके पास बहुत कुछ है संसार का, उसके अंदर घमंड आना, ये तो बहुत ही स्वाभाविक बात है, आश्चर्य की बात नहीं है। और आखिर घमंड आने के लिए भी बहुत ऐसे सारे गुण हों तो फिर और भी संभावना रहती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई बहुत बुद्धिमान है, बहुत धनवान है, बहुत सुशिक्षित है, तो घमंड आने की पूरी संभावना रहती है। और घमंड के प्रभाव में हम प्रशंसा चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, और हमें पूछते हैं तो आपका परिचय क्या है, तो क्या नहीं जानते आप मुझे। ये कथा मैं कई बार बताता हूँ कि जब मैं विदेश में एक मंदिर में था, तो वहाँ पर भारत के कोई एक व्यक्ति आए थे, जो टेलीविज़न के जो भी होते हैं कार्यक्रम, उनमें कोई बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे। अभी हम तो देखते नहीं टेलीविज़न, तो हमें पता नहीं कौन प्रसिद्ध है नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते थे, बहुत लोकप्रिय हो गए थे, लोग उनको देखकर ही पहचानते थे कि ये कौन है। कभी कभी शायद हमारा भाग्य ही ऐसा है कि अनेक बार जब हवाई जहाज़ में जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसे एक व्यक्ति रहता है, हम तो पहचान नहीं पाते हैं, परंतु लोग उनके पीछे हस्ताक्षर लेने के भागते हैं, तो हम समझते हैं कि कोई होगा, सिनेमा वाला कोई होगा। तो वो आए उस मंदिर में, और वहाँ के लोगों को क्या पता ये कौन है, यहाँ तो सभी लोग उनको पहचान सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोग तो नहीं पहचानते उनको। तो वो अंदर आए और थोड़े माताजी लोग जो हैं वो फूलों की माला बना रही थी, थोड़े भक्त इधर उधर थे मंदिर में, और मंदिर के बाहर भी यहाँ वहाँ थोड़े भक्त थे। तो किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने कोई विशेष, अरे देखो देखो आए, ऐसे कुछ नहीं कहा। अच्छा आप ये हैं कि आपका नाम ये है कि आइए आइए, जैसे अन्य भक्त लोग या दर्शनार्थी आते हैं वैसे आए, और अन्यों ने भी वैसे कुछ सोचा नहीं। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा और कोई स्वागत नहीं कर रहा है, कोई पहचान नहीं रहा है उनको, अच्छा नहीं लगा उनको। आखिर जो भक्त बैठे थे वहाँ, उनके पास कहने लगे, थोड़े उत्तेजित होकर, थोड़े विचलित होकर कहने लगे, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? जब लोग अपने ओर से नहीं पहचान पाए उनको, तो उनको उनके लिए वो सहन नहीं हुआ कि आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, तो जाके उनको सामने से कह दिया कि आप नहीं पहचानते मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा, नहीं आप कौन हैं? उन्होंने बताया, मेरा नाम ये है ये। अच्छा 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 आप ऐसे हैं, ठीक है। फिर उनको थोड़ी बहुत सेवा कर दी। लेकिन रामानंद राय ऐसे नहीं थे, और जानते थे कि विशेष करके सन्यासी के सामने अपने भौतिक परिस्थिति का वर्णन नहीं करना चाहिए, अपना ही बड़ापन नहीं करना चाहिए, किसी के सामने भी नहीं करना चाहिए। वैसे हमने जो अच्छे काम किए हैं उनके बारे में किसी को नहीं बोलना चाहिए। यदि हमने कोई अच्छा काम किया और उसके बारे में दूसरों से कहा, तो जो भी फल है उस अच्छे काम का वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा काम क्षीण हो जाता है बताने से,
बुरा काम भी क्षीण हो जाता है बताने से. तो बताने से ऐसे होता है. इसलिए अच्छे काम, हमने जो अच्छे काम किए हैं उनकी घोषणा किसी को नहीं करनी चाहिए, और जो बुरे काम किए हैं जाके बता सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बस सड़क पे जाके हम उद्घोषणा करें, ऐसे नहीं. कम से कम हमारे जो विश्वास के लोग हैं, कम से कम उनसे तो बताना है. तो खैर, ये सब वैदिक सभ्यता है, ये सब एक वैष्णव के गुण होने चाहिए. तो रामानंद राय इतने बड़े व्यक्ति थे, फिर भी देखिए कितने नम्र थे, क्योंकि वो महान वैष्णव थे. तो उन्होंने कहा, हाँ मैं रामानंद राय हूँ, आपका तुच्छ सेवक, और मैं एक शूद्र जाति से हूँ. अपने आप सामने से ही कह दिए. हालांकि महाप्रभु के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किस जाति के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती थी महाप्रभु के लिए. तो महाप्रभु ने फिर ये सुना कि ये कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ, फिर भी उन्होंने आलिंगन किया रामानंद राय को, और दोनों ही प्राय प्रेमावेश प्रभु भृत्य दोहे अचेतन. प्रभु और भृत्य, भृत्य अर्थात सेवक रामानंद राय. तो जब महाप्रभु ने रामानंद राय को आलिंगन किया तो दोनों प्रभु और सेवक प्राय अचेतन हो गए. उस आलिंगन का प्रभाव इतना तीव्र था कि अपने होश को ठिकाने नहीं रख पाए, और स्वाभाविक उनका परस्पर जो प्रेम था वो उत्पन्न हो गया. और आलिंगन करते करते दूहों आलिंग्य दूहे भूमिते पोड़िला, फिर जमीन पर दोनों ही गिर पड़े. तो उस समय जब आलिंगन एक दूसरे से किया तो उनके अंदर सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे, जो कि केवल प्रेम भक्ति या कम से कम भाव भक्ति को प्राप्त होने वाले व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं. जैसे स्तंभ, स्तंभ अर्थात बिल्कुल स्थिर हो जाना, कुछ हिलने की क्षमता नहीं रखना. स्वेद अर्थात पसीना आना. अश्रु मतलब आँखों से आंसू बहना. कंप शरीर का कंपन होना. पुलक, पुलक अर्थात रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर के बाल खड़े हो जाना. वैवर्ण्य अर्थात शरीर की कांति, बिल्कुल शरीर का जो तेज है वो निकल जाना बिल्कुल. ऐसे बहुत सारे हैं. तो ये सारे प्रकट होने लगे दोनों के शरीर में. और हमें याद रखना है कि जब ये सब हो रहा था तो मुख से कृष्ण 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 बोले जा रहे थे. उस समय सारे जितने भी वाद्य बजाने वाले लोग थे और जितने भी ब्राह्मण थे, वैदिक ब्राह्मण थे, वो सब देख रहे थे. तो उनकी दशा क्या हुई होगी उस समय हम कल्पना कर सकते हैं, और यदि हम कल्पना नहीं कर पाएंगे तो कविराज गोस्वामी बतला रहे हैं. वैसे भी वो कहते हैं कि सारे ये कर्मकांडीय ब्राह्मणों ने जब देखा, जो कि रामानंद राय के पीछे पीछे आ रहे थे, तो दोनों के जब ऐसे ये प्रेम, कृष्ण प्रेम के लक्षण देखे उन्होंने, तो वो भी विस्मित हो गए. उनके मन में भी चमत्कार हो गया. तो सब गहराई से विचार करने लगे. क्या विचार करने लगे? ये तो सन्यासी है. यही तो सन्यासी र तेज देखी ब्रह्म समा. ये जो सन्यासी हैं, इनके जो शरीर का तेज है वो निराकार ब्रह्म की ज्योति के समान है. शूद्र आलिंग्य कहने कौरण क्रंदन. परंतु ये इतने बड़े सन्यासी होकर और इतने तेजस्वी होकर ये एक शूद्र को इस तरह से आलिंगन क्यों कर रहे हैं? उनको समझ नहीं आया. जातिवाद उस समय बहुत था, तो ये ब्राह्मण लोग ऐसे सोच रहे थे. यही महाराज महापंडित गंभीर, कहाँ ये जो महाराज हमारे हैं रामानंद राय, ये तो महापंडित हैं और गंभीर भी हैं. सन्यासी र स्पर्श मत्त होइलो अस्थिर,
परंतु इस सन्यासी का स्पर्श करने से बिल्कुल अस्थिर हो गए हैं, अपने गांभीर्य को खो बैठे हैं ये। वैसे आगे चल के भी रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि जब महाप्रभु के साथ में लीला कर रहे थे, और आगे चल के मध्य लीला में इनका वर्णन होगा, तो वो भी नरेंद्र सरोवर और ऐसे सरोवरों में जाके जब एक दूसरे से खेल करते थे, जैसे बच्चे एक दूसरे के ऊपर जल छिड़का के करते हैं, तो महाप्रभु तट पे बैठकर हंस रहे थे कि देखो ये कितने बड़े बड़े लोग हैं बाहर की जगत में, महापंडित हैं, और ये सार्वभौम देखो कितने बड़े पंडित हैं, राजा के दरबार में पंडित हैं, और ये रामानंद राय ये राजा हैं, लेकिन अभी देखो किस तरह से बच्चों की तरह जल में खेल रहे हैं। अपने गांभीर्य को पूरी तरह से वो खो दिया उन्होंने। तो जिस समय जैसे ही ये ब्राह्मण सब इस तरह से सोच रहे थे, तो महाप्रभु ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये सारे ब्राह्मण देख रहे हैं और ये लोग भक्त नहीं हैं। और जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे कि वैष्णव ये नहीं चाहता कि वो अपने भक्ति के लक्षण किसी अभक्त के सामने व्यक्त करे या प्रकट करे, अन्य भक्तों के सामने भी करना नहीं चाहते हैं, परंतु अनायास हो भी जाए तो कम से कम भक्तों के संग में हो, बाहर के जो लोग हैं जिनको कुछ अता पता नहीं होता है भक्ति के बारे में, और कोई जानकारी न होने के कारण वो कोई गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और ऐसे भी कभी कभी होता है कि एक मिथ्या प्रतिष्ठा मिल जाती है सब लोगों से, बाहर के लोग सोचते अरे ये कितने बड़े व्यक्ति हैं, कितने महान संत हैं ये, तो इस तरह से प्रतिष्ठा की आशा से वो दूर रहते हैं। तो जब महाप्रभु भाव विभोर हो गए थे तो वो देख नहीं पाए थे कि ब्राह्मण लोग देख रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी नज़र में आया कि अरे ये सब लोग देख रहे हैं तो ये ठीक नहीं है हम लोग जो कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। शुष्ट होना दुहे ए स्थाने बोशीला तबे हासी महाप्रभु कोरिते लागिला। सुष्ट होना मतलब अपने आप को स्थिर बना दिया महाप्रभु ने, स्थिर बनाया और रामानंद राय को पास में बिठाया और हंसे मुस्कुराकर रामानंद राय से कहने लगे कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके सद्गुणों का वर्णन किया हुआ है और उन्होंने बहुत प्रयास किया, मुझसे अनेक बार कहा कि मुझे आके निश्चित ही आपसे मिलना चाहिए यहाँ पर विद्यानगर में गोदावरी के तट पे, इसलिए मैं यहाँ केवल आपसे मिलने आया हूँ। और देखो कितना अच्छा है मेरे लिए कि बिना प्रयास किए हुए अभी आपका दर्शन यहाँ पे हो गया है। ये महाप्रभु बात कर रहे हैं रामानंद राय से। फिर रामानंद राय ने उत्तर दिया, वैसे सार्वभौम प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य वो मुझे अपना सेवक मानते हैं और मेरे अनुपस्थिति में भी वो मेरे भलाई का मेरे कल्याण का सोचते हैं, और इसलिए उनकी कृपा से मुझे आज आपका दर्शन यहाँ गोदावरी के तट पे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा मनुष्य जीवन आज सफल हुआ है और मैं देख सकता हूँ कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर विशेष कृपा प्रदान की है और इसलिए आपने मेरा स्पर्श किया है, यद्यपि मैं एक अछूत व्यक्ति हूँ और ये केवल सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति के हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है उसके कारण है। आप तो स्वयं भगवान हैं नारायण। कहा तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहा मुई राज सेवे विषय शूद्राधम। कहा आप साक्षात ईश्वर नारायण और कहा मुई, मुई मतलब मैं, कहा मैं जो कि एक राजा का सेवी हूँ, सेवक हूँ, विषयी हूँ, विषयी अर्थात जो इंद्र तृप्ति में लगा हुआ रहता है, सेवी शूद्राधम शूद्र हूँ और मैं अधम व्यक्ति हूँ, पतित व्यक्ति हूँ,
Mora sparshena kurila grina vedabhai, mora darshana toma vede nishedhai. Aapne mera sparsh kiya hai, yadyapi halanki vedon mein aise varjit hai, phir bhi mujh shudra ko aapne aise alingan kiya hai. Aur jab aise sparsh hua to aapke man mein bilkul ghrina ki bhavna utpann nahi hui. आप तो स्वयं भगवान हैं और आपके उद्देश्य को कौन समझ सकता है. आपकी कृपा से ही आप मुझे स्पर्श कर रहे हैं हालांकि ये वेदों में वर्जित है. आमानिस्तारिते तुमार यह आगमन परम दयालु तुम्हें पतित पावन. मैं जानता हूं आपका यहाँ पे जो आगमन है वो केवल मेरे उद्धार के लिए है. आप परम दयालु हैं और पतित पावन हैं इसलिए आप यहाँ पर आए हैं. तो वैसे भी जो संत होते हैं उनका स्वभाव होता है कि वो अनेक लोगों के घर में जाते हैं, पतितों के पास जाते हैं और वहाँ उनको कोई काम नहीं है. ऐसा नहीं कि उनको भूख लगी है जाते हैं या स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे इनके यहाँ, चलो कुछ अच्छी चीज़ें खा लेते हैं, कुछ सुविधा वगैरह प्राप्त हो जाएगी, चलो इनके यहाँ जाते हैं. तो वो संतों का स्वभाव नहीं होता है. जब संत लोग यहाँ वहाँ जाते हैं तो जिनके घर में जाते हैं उनके उद्धार के लिए जाते हैं, उनके ऊपर कुछ उनका कल्याण करने के लिए जाते हैं. और फिर ऐसे ही रामानंद राय बातचीत करते हैं और मैं देख रहा हूँ रामानंद राय कहने लगे कि मेरे साथ यहाँ लगभग 1000 लोग हैं. तो कल्पना कर सकते हैं कि रामानंद राय के साथ 1000 लोग गोदावरी के तट पे आए थे, इतने बड़े आदमी थे वो. और वो कहने लगे कि इतने सारे लोग जो मेरे साथ में हैं, ब्राह्मण भी हैं, तरह तरह के लोग हैं, तुम्हारा दर्शन सवार द्रवी हुभूत मना, उन सब का हृदय पिघल गया है आपके दर्शन मात्र से. कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सवार वदने सवार अंग पुलकित अश्रु नयने. मैं सुन रहा हूं कि सबके मुख से कृष्ण 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 ये निकल रहा है और सबके आंखों में आंसू अश्रुधारा हो रही है सबके आंखों से और सभी लोग हर्षित हो गए हैं, दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं सभी लोग केवल आपके दर्शन से. आकृत्य प्रकृत्य तुमार ईश्वर लक्षण जीवन संभवे ए अप्राकृत गुण. आकृत्य प्रकृत्य मतलब आकृति के द्वारा प्रकृति के द्वारा तुम्हारे ईश्वर लक्षण, हम समझ सकते हैं कि आप ईश्वर हैं. तो दो प्रकार के लक्षण होते हैं, आकृति के और प्रकृति के. आकृति अर्थात रूप. तो श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर कि उनका रूप कैसे है आदि, और प्रकृति अर्थात उनका व्यवहार देखकर समझ पे, ये लक्षण है समझना ये आसान है कि ये भगवान है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. जीव न संभवे ए अप्राकृत गुण, किसी जीव के अंदर ऐसे अप्राकृत गुण नहीं रह सकते. श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की आकृति, उनके शरीर के जो लक्षण थे वो असाधारण थे, अलौकिक थे. और ऐसे शास्त्रों में भी अलग अलग बताया जाता है कि शरीर के भी अवयवों के लंबाई कितनी होती, चौड़ाई कितनी होती, और तुलनात्मक दृष्टि से सब देख के ये विश्लेषण किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति विशेष है और नहीं है. तो खैर ये सारे लक्षण चैतन्य महाप्रभु में दिखाई पड़ रहे थे और ये सारा विज्ञान जो है हम भूल चुके हैं. अभी हम ये सब आजकल नहीं जानते हैं
केवल चेहरे को देखकर कैसे व्यक्ति को पहचान लेना, बहुत से ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म विज्ञान हैं, भले ये भौतिक क्यों न हो परंतु साधारण संसार के व्यवहार में ये सब आवश्यक हुआ करते थे। तो फिर महाप्रभु ने क्या कहा, तुम्हें महाभागवतोत्तम कहे रामानंद राय, आप महाभागवतों में से सबसे उत्तम हो। भागवत अर्थात भक्त, महाभागवत अर्थात बहुत ऊंचे भक्त, शुद्ध भक्त, और उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो आप शुद्ध भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हें महाभागवतोत्तम, तुम्हार दर्शन सवार द्रव हईल मन। और क्योंकि आप इतने बड़े भक्त हो, इन सब का मन द्रवित हो गया है, पिघल गया है आपको देख के, मुझे देख के नहीं, क्योंकि आप इतने बड़े भक्त हैं, ऐसे महाप्रभु कहने लगे रामानंद राय से। अन्य की कथा मी मायावादी सन्यासी, आमी हा तुम्हार स्पर्श कृष्ण प्रेमे भाषी। अरे अन्यों की बात तो दूर है, मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूं और आपके स्पर्श से मेरे मन में भी कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया है, तो मैं भी ऐसे कृष्ण प्रेम के समुद्र में तैर रहा हूं केवल आपके स्पर्श से। और मैं एक सन्यासी हूं, मैं भले मायावादी सन्यासी हूं, वो भी जब मेरे अंदर ऐसे प्रभाव हो रहा है तो इन सब लोगों की बात तो दूर रही, इनके अंदर तो होना ही था। तो सारी बात पलट दी महाप्रभु ने। रामानंद राय तो कह रहे थे आप इतने महान भगवान हैं इत्यादि, और आपका दर्शन करके देखिए यहाँ इनकी क्या दशा हो गई। महाप्रभु ने उल्टा क्या कहा, नहीं नहीं मुझे देखकर नहीं, आपको देखकर ऐसे सब हो रहा है, बल्कि मुझ में भी ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जबकि मैं एक मायावादी हूँ, ऐसे कभी होना नहीं चाहिए था मेरे साथ, परंतु हुआ है आपकी कृपा से। सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे कि क्या होगा, और इसलिए मुझे ठीक करने के लिए मेरे हृदय को जो कि बहुत कठोर है उसे थोड़ा कोमल बनाने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे आपके पास भेजा है। रामानंद राय ने क्या कहा था कि सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपना सेवक मानते हैं, और वो जानते थे कि मेरा उद्धार होगा जब आप यहाँ आएंगे, तो मेरे उद्धार के लिए उन्होंने आपको मेरे पास आने के लिए निवेदन किया है। परंतु महाप्रभु क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं, कहते हैं कि महा सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे ऊपर बहुत कृपा करते हैं, उनको पता था कि मेरा हृदय बहुत कठोर है, इसलिए इस कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। इस प्रकार ऐ मतो दुहे स्तुति कोरे दुहार गुण, दुहे दुहार दर्शन आनंदित मन। ऐसे एक दूसरे की प्रशंसा दोनों करने लगे परस्पर, और दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत ही प्रसन्न हुए। वैसे जब महान वैष्णव आपस में मिलते हैं, वैष्णव का लक्षण ही होता है कि वो अन्यों के अंदर अच्छे गुण देखता है, बुरे गुणों को नहीं देखता है, जो अच्छे गुण हैं उनको देखकर प्रशंसा करता है, निंदा की वृत्ति नहीं रहती है महान भक्तों में। तो खैर फिर जब ऐसे प्रशंसा एक दूसरे के करने लगे तो बड़ा आनंद आया दोनों को। अब हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, हमारे वैष्णव समाज में, भक्तों के समाज में परस्पर कैसे व्यवहार होना चाहिए। हाँ निंदा आदि तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, परंतु एक दूसरे की स्तुति करते भी नहीं बैठना चाहिए। चलो महाप्रभु ने और रामानंद राय ने ऐसे किया तो चलो आप बैठो प्रभु, एक दूसरे की स्तुति करते हैं, बहुत दिनों से अपनी स्तुति नहीं सुनी, इतनी निंदा सुन रहे हैं, यहाँ से कुछ सुन रहे हैं, वहाँ से कुछ सुन रहे हैं, तो कुछ अपने बारे में भी कुछ सुने, कोई स्तुति सुने। इतने स्थूल रूप से भले हम बात नहीं करें, फिर भी
इस गणना से भी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरे भक्त की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं क्योंकि अब जानते हैं कि फिर बाद में वो हमारी स्तुति करेगा, तो अपनी स्तुति सुननी है इसलिए दूसरों की स्तुति करना। जब दूसरों की स्तुति करेंगे तो वो अपनी प्रशंसा करेंगे तो वो फिर हमारे लिए अमृत की धारा के समान है, कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ महान वैष्णवों के बीच में या भगवान और वैष्णवों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उससे हमें सीख लेना चाहिए, उनके पदचिन्हों में का अनुसरण करना चाहिए, परंतु नकल नहीं कर सकते। सीखने लायक क्या है कि हमें अन्यों में अच्छे चीज़ें देखनी चाहिए और उनकी प्रशंसा करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम मन में तो मान लें, कम से कम उनके पीछे तो कुछ उनके बारे में अच्छी बातें कहें। परंतु दुनिया में देखा जाता है कि व्यक्ति के सामने आने से अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उनके पीछे जाके बुरी बुरी बातें उनके बारे में करते हैं। लेकिन नहीं, पीछे होते हुए किसी व्यक्ति की अच्छाई करनी चाहिए। यदि ऐसे अच्छे गुण हम देख रहे हैं, ऐसे बस औपचारिकता के कारण नहीं, हम वैष्णव हैं हमें करना चाहिए, चलो आज किसका नंबर है प्रशंसा करने के लिए, चलो उनकी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हृदय से जब हमें लगता है कोई किसी वैष्णव के अच्छे गुण देखते हैं तो प्रशंसा कर लेना चाहिए, क्या है उसमें, परंतु कृत्रिम रूप से नहीं होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। और हमें बिल्कुल भावुक भी नहीं होना चाहिए। भावुक होने का मतलब है कि कोई भक्त है उनको ऐसे ऊंचे स्तर पर बिठा दिया कि आप तो शुद्ध भक्त हैं, आप ऐसे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। अति स्तुति भी निंदा का लक्षण, ये भी एक निंदा के समान हो जाता है। प्रभु आपने इतना अच्छा कीर्तन किया, इतना अच्छा कीर्तन कि न भूतकाल में कोई ऐसे कर पाया न भविष्य में कर पाएगा। हाँ, न भूतो न भविष्यति, ये तो ठीक नहीं है। सामने वाला तो समझ जाएगा ये तो हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, स्तुति नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हृदय पूर्वक जो है वो अवश्य हमें कहना चाहिए, परंतु कृत्रिम रूप से नहीं या किसी कपटी भाव से नहीं, छल के रूप में नहीं, और ऐसे अपेक्षा से नहीं कि मैं जब स्तुति करूँगा तो मुझे भी अपने स्तुति सुनने का अवसर मिल जाएगा, ऐसे नहीं। तो खैर उस समय एक वैष्णव ब्राह्मण वहाँ आए थे, वो भी उस ब्राह्मणों के समाज दल में थे, तो महाप्रभु तुरंत समझ पाए कि ये ब्राह्मण वैष्णव हैं। अनेक ब्राह्मण थे वहाँ पे जो कि वैष्णव नहीं थे, स्मार्त ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे, अलग अलग विचारों के थे। तो ये वैष्णव ब्राह्मण जो थे वो महाप्रभु के सामने आए और दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, दंडवत कोरी कोइलो प्रभुरे निमंत्रण, और फिर महाप्रभु को निमंत्रण किया उन्होंने भिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्रसाद के लिए अपने घर में निमंत्रण किया, और चैतन्य महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया ये जानते हुए कि ये वैष्णव हैं। और फिर हल्की से मुस्कुराते हुए वो रामानंद राय से कहने लगे। अब यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाप्रभु ने इस वैष्णव ब्राह्मण के निमंत्रण को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो जानते थे कि ये एक भक्त हैं। यदि कोई भक्त नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे निमंत्रण स्वीकार नहीं करें। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि आधुनिक काल में लोग इतने पतित हो गए हैं कि वो किसी भी वैदिक सभ्यता के नियम का पालन नहीं करते हैं। अभी वैष्णव सिद्धांतों की बात तो दूर रही, वो सब कुछ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं सब कुछ खा लेते हैं, कोई भेद नहीं करते, कोई विवेक बुद्धि नहीं है उनको कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक हमारे भक्त हैं जो एक विश्व के पूर्व भाग में किसी एक देश में गए थे, कोई काम से अपने व्यवसाय आदि से कोई गए थे,
तो कहने लगे वहां जीना इतना मुश्किल है एक शाकाहारी के लिए कि आप वो शाकाहारी क्या है ये लोग नहीं जानते हैं, ये शब्द कभी सुना नहीं है उन्होंने। और जब उनको समझाया जाता है शाकाहारी दीजिए तो लेकर भी आते हैं होटल में वगैरह कुछ कुछ ना कुछ मछली अंडा कुछ तो होता है, क्योंकि वो सोचते ये क्या है ठीक है, तो उनको कोई कल्पना ही नहीं है शाकाहारी क्या है। और वो कहते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे चीज़ों को खाते हैं जिसकी हम हमारे सोच के भी बाहर है। जो भी ज़मीन पे चलता है, पानी में तैरता है और हवा में उड़ता है, उसको खाने के लिए तैयार है। वो तरह तरह की चीज़ें खाते हैं जिनका वर्णन भी करना भी उचित नहीं है, और इस तरह से खाते हैं। तो आजकल ये सब आधुनिक काल के प्रथाएं हो गई हैं, और हम भी इस तरह से नहीं खाएंगे तो लोग सोचते रहे आप इतने पिछड़े हुए हैं। भारत में ये सब बहुत चलता है आजकल। अरे आप शाकाहारी हैं, इतने पुराने विचारों के हैं आप। अरे दुनिया आगे चली है, आप भी, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए दुनिया के साथ में। ये सब घास फूस खाते रहते हैं आप, देखो कहाँ से ताकत आएगी आपको, कैसे कुछ कर पाएंगे। शराब नहीं पीते हो, अरे कितने पिछड़े हुए हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल के लोग कोई भेद नहीं करते, कुछ भी खा लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को चाहिए कि ऐसे निमंत्रण स्वीकार करने में वो बहुत सावधान रहें। ऐसे नहीं कि जिसने भी बुला लिया चलो उनके घर में जाओ खूब खाओ पियो, नहीं, बहुत सोच विचार करना चाहिए किसके घर में जाएंगे किसके घर में नहीं जाएंगे। जो कोई नियम पालन करने वाले वैष्णव हो अवश्य उनके घर में जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो चार नियमों का पालन करते हैं, शाकाहारी भोजन, भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ा के उसे स्वीकार करते हैं प्रसाद के रूप में, ये वैष्णव हैं तो अवश्य जा सकते हैं। कभी कभी प्रचार के कारण भी एक आध बार, कभी बार बार नहीं, एक आध बार कभी ऐसे छूट देनी पड़ती है जब ऐसी संभावना रहती है कि ये सारे लोग भक्त बन सकते हैं, तो थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, परंतु सावधानी से हमें यह करना चाहिए। इतनी छूट अपने आप को भी नहीं देनी चाहिए कि प्रचार के नाम पे हम कहीं भी जाएं कुछ भी करें किसी के घर में जाके सब खाते रहें, नहीं, बहुत सावधानी से करना चाहिए। और अधिकांश आप सब गृहस्थ हैं तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार आदि हैं और आना जाना होता है, वो आपके घर में आते हैं, आपको उनके घर में जाना पड़ता है। तो गृहस्थ भक्तों के समस्याएं ऐसे भी होती हैं कि रिश्तेदारों के घर में जाके क्या करें, खाएं या नहीं खाएं, वो लोग खाने पीने वाले लोग हो सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सोचना है आपको, धीरे धीरे से उनको बताना अच्छा है कि देखो हम ये सब नहीं खाते हैं। तो यदि आपके वो बहुत निकट के हैं तो उनसे तो बता ही देना चाहिए, ताकि कितने समय तक आप ऐसे करते रहेंगे, तो उनको समझना अच्छा है कि आपकी जीवन शैली इस प्रकार से है, बदल गई है, आपका जीवन बदल गया है और आप ये सब चीज़ खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, और जिन पात्रों में ये सब मांस आदि सब पकाया जाता है, अंडे वगैरह वगैरह, हम उन पात्रों से नहीं खा सकते। धीरे धीरे आज नहीं तो कल उनको ये सत्य बात बतानी चाहिए, ताकि फिर वो आगे चल के बुरा नहीं मानेंगे। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा बुरा मान लेंगे, परंतु बाद में फिर वो स्वीकार कर लेंगे आपको, जब आप अटल रहोगे आपके नियम पालन में। तो फिर थोड़े मुस्कुराए महाप्रभु रामानंद राय को देखकर और कहने लगे, तुमार मुखे कृष्ण कथा सुनिते हय मन, पुनरपि पाए जन तुमार दर्शन। मैं आपके मुख से कृष्ण के बारे में कुछ सुनता हूँ, सुनना चाहता हूँ, तो मेरा मन तो बहुत आतुर है इसके लिए,
और इसलिए मैं पुनः आपको मिलना चाहता हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो रामानंद राय ने कहा कि हे प्रभु, यद्यपि आप यहाँ मेरे दोषों को ठीक करने के लिए आए हैं, मैं जो कि कितना पतित व्यक्ति हूँ, मेरा मन अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है केवल एक बार आपको मिलने से, तो कृपा करके यहाँ कम से कम 5-7 दिन तो आप रहिए और मेरे प्रदूषित मन को शुद्ध कीजिए, और इस समय के बाद मुझे लगता है कि शायद मेरा मन थोड़ा बहुत शुद्ध हो पाएगा। तो यद्यपि दोनों एक दूसरे से विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे, फिर भी रामानंद राय ने प्रणाम किया महाप्रभु को। अब जाने का समय हुआ था और वो चले गए और चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ से चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उस ब्राह्मण के घर में गए, वैष्णव ब्राह्मण जिन्होंने उनको आमंत्रण निमंत्रित किया था, वहाँ पे प्रसाद पाया और शाम के समय फिर से वो गोदावरी के तट पे आए, उसी स्थान पे जहाँ सुबह उन्होंने रामानंद राय से चर्चा की थी। जब वहाँ वो बैठे थे तो स्नान के बाद उन्होंने देखा कि रामानंद राय वहाँ पे आ रहे हैं। तो जब रामानंद राय इस बार आए तो 1000 लोगों के साथ नहीं आए, केवल एक व्यक्ति के साथ आए इस बार, क्योंकि इस बार उनको बहुत गोपनीय बातें करनी थीं। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि स्नान करना बहुत आवश्यक है। हाँ, ये आजकल बताने वाली बात है, ये भी हम अक्सर बताते हैं कि किसी एक दूसरे देश में, हाँ वहाँ ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, ये तो है, फिर भी उन देशों में तो घर के अंदर सब गर्म होता है, पानी भी गर्म होता है, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हैं, तो स्नान नहीं करने की कोई का के लिए कोई बहाना नहीं है। तो बताया करते थे कि जब वो दफ्तर में जाते थे, एक साल के लिए उनको वहाँ भेजा गया था, तो दफ्तर 8 बजे शुरू होता था तो 7:45 बजे सब लोग आते थे दफ्तर में, सीधे बिस्तर से उठ के आते थे केवल कपड़े बदल के, और वहाँ आके फिर शौचालय में जाके दान घिसना और वो सब सुबह 15 मिनट में वहाँ दफ्तर के शौचालय में कर देते थे, स्नान नहीं करते थे, थोड़ा परफ्यूम से गंध वंध लगा के आ जाते थे। ये इनका और भागवत के 12वें स्कंद में ऐसा ही वर्णन है, ठीक जैसे भागवत में वर्णन है ना वैसे ही हो रहा है। तो व्यक्ति को कम से कम एक बार करना चाहिए, सन्यासी को 3 बार करना चाहिए ऐसे कहते हैं, ब्रह्मचारी को 2 बार। ऐसा नहीं कि तीसरी बार करने की आवश्यकता हो तो कहें हम सन्यासी नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, जब शरीर मैला हो जाए कर लेना चाहिए। यदि शरीर साथ न दे, कोई बीमारी हो तब अलग बात है, या यदि जल ही उपलब्ध न हो तो अलग अलग तरह के स्नान होते हैं, मंत्रों का स्नान होता है, हवा का स्नान होता है, लेकिन जब पानी उपलब्ध है तो मंत्रों से स्नान कर लिया नहीं, ये काफ़ी नहीं है, हवा से स्नान कर लिया ऐसा नहीं होना है। फिर रामानंद राय वहाँ पर आए और उन्होंने प्रणाम किया श्री चैतन्य महाप्रभु को, महाप्रभु ने आलिंगन किया और फिर एकांत स्थान में जाके वो कृष्ण कथा करने लगे। प्रभुपाद यहाँ रहह स्थाने मतलब एकांत स्थान की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि रामानंद राय तो इतने ऊंचे भक्त हैं और महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं जो कि व्रज भाव में और विशेष करके श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो भी चर्चाएं होंगी वो अवश्य बहुत ही उच्च कोटि की होंगी, वृंदावन की जो लीलाएं हैं गोपियों और कृष्ण के बीच में उनके संबंध में होगा, परंतु ऐसे विषय जो हैं जन साधारण के सामने नहीं करना चाहिए, सबके सामने ऐसे लीलाओं का वर्णन करना भी वर्जित है वैष्णवों के लिए, और न ही महाप्रभु कभी ऐसे करते थे,
और इसलिए अब रामानंद राय अकेले आए, केवल एक सेवक को साथ में लेकर आए थे, फिर भी उस सेवक को भी अलग रखा और केवल महाप्रभु के साथ एकांत स्थान में गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन साधारण के लिए संकीर्तन सबसे उपयुक्त है। जहाँ तक बड़े बड़े पंडितों की बात है तो महाप्रभु ऐसे ही कहा करते थे, किया करते थे, सबके लिए नाम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाश आनंद सरस्वती जैसे प्रगाढ़ विद्वानों के साथ भगवद गीता के दर्शन या सिद्धांतों की चर्चा करते थे। जो उनके शिष्य थे जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके साथ भक्ति के तत्वों की चर्चा उन्होंने की। परंतु जब रामानंद राय जैसे उनके निकट के पार्षद रहे तो उनके साथ व्रज लीला की चर्चा की। परंतु प्रारंभ सीधे वृंदावन के रासलीला से नहीं की महाप्रभु ने। महाप्रभु ने चर्चा को बहुत ही एक प्रारंभिक बुनियादी विषय से उठाते उठाते धीरे 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 ऐसे चट्टानों तक पहुँचे कि हमारा सर भी चकरा जाता है। आगे चल के रामानंद राय भी ऐसे कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न इस प्रकार के भी हो सकते हैं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो जब ये एकांत स्थान में जाते हैं फिर चर्चा प्रारंभ होती है और बात कुछ उल्टी हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते हैं और रामानंद राय द्वारा उत्तर निकलवाते हैं उनके मुख से। वैसे तो महाप्रभु को आदेश देना चाहिए था, उपदेश देना चाहिए था, परंतु वो चाहते थे कि रामानंद राय की ख्याति बढ़े, उनको श्रेय देना चाहते थे। तो उन्होंने रामानंद राय से कहा कोई प्रश्न पूछे, एक के बाद एक प्रश्न पूछते गए और फिर रामानंद राय उनके उत्तर देते गए। तो इस समय से वास्तव में उनका संवाद प्रारंभ होता है। तो संवाद जब सुनना है तो बड़े ध्यान से सुनना है ना। तो इसलिए बहुत पेट खाली रहेगा, बहुत ज़्यादा भूख रहेगी तो ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। बहुत ज़्यादा भी भरा हुआ पेट नहीं होना चाहिए, तब तो नींद आती है। इसलिए हम कथा को अब विराम यहाँ देते हैं थोड़े समय के लिए। आप प्रसाद पा लीजिए, पर्याप्त पाइए जितने पेट के भूख का शमन करने के लिए आवश्यक है, परंतु इतना ज़्यादा मत खाइए कि यहाँ आके नींद आ जाए, कि यहाँ आकर हमें दर्शन सुनना है, फिलॉसफी सुनना है। अभी लीला की भाग आज के लिए समाप्त। अब हम गहराई में जाएंगे, जैसे महाप्रभु बताते हैं वैसे हम सुनने जाएंगे। तो कृपया अब हम सब, आप सब प्रसाद के लिए चलिए। और अभी सूचनाएँ आपको होंगी कि कितने बजे वापस आने हैं और आज का कार्यक्रम क्या होगा, इसकी जानकारी अब आपको मिल जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।